उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण जंतु उद्यान तथा जलवायु परिवर्तन स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बहराइच के मोतीपुर वन विश्राम गृह का निरीक्षण किया। वन मंत्री ने पिछले दिनों वन्य जीवों के हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मानव वन्य जीव संघर्ष को हृदय विदारक बताते हुए इसे रोके जाने के लिए वृहद कार्य योजना बनाकर हर संभव उपाय किए जाने की बात कही। पत्रकारों के साथ चर्चा के दौरान वन मंत्री ने बताया कि मानव और वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए जंगल के चारों तरफ सोलर तार फेंसिंग कराई जाएगी। जंगल के समीपवर्ती गांव में प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाए जाएंगे। जंगल के चारों तरफ जंगली जानवरों के मूवमेंट वाले क्षेत्र में सोलर फॉग लाइट लगाई जाएंगी, जो वन्य जीवों के मूवमेंट के दौरान स्वतः जलेंगे और बुझेंगे, जिससे जानवर पुनः जंगल की तरफ भाग जाएंगे। वन मंत्री ने करतनिया घाट का भी दौरा किया। इस दौरान वन मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी शुभम कुमार, एफडी संजय पाठक, APCCF प्रोजेक्ट टाइगर कमलेश कुमार सहित दर्जनों अधिकारी मौजूद रहे। उनके घर में शौचालय हो, उनको इलाज की सुविधा हो और उनके पास जमीन भी कुछ हो ताकि वो अपनी खेती कर सके। आपने हमें बहुत अच्छा किया जो बताया, आप उनके बारे में हमें लिखे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।